अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त। कैबिनेट ने लिए जनहित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी, आइए सुनते हैं। माननीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में टोटल 18 लिस्टेड इश्यू आए हैं और 3 ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं थे, उन पर चर्चा हुई। एक कुंभ से संबंधित था जिसमें निर्णय लिया गया कि जो साधु संत आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम करने हैं, मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया। एक कावड़ से संबंधित था, कावड़ के लिए तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्ता करके उस पर निर्णय लेंगे। इससे अलग मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 2 महत्वपूर्ण इशू हम लेकर आए हैं। एक टैक्सी मोटरसाइकिल का लेकर आए जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा जो नौजवान है उससे जोड़े जाएंगे अभी तत्काल, बाकी इस योजना को फिर बढ़ाया जाएगा। इसको कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 साल का इंटरेस्ट वो राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हम लोग बैंक करेंगे। दूसरा इशू है जो शहरों के अंदर जो हमारे ठेली वाले, जो हमारे हड़ वाले, जो हमारे इस प्रकार का मार्केट लगाने वाले लोग हैं, उन सबके लिए जो भारत सरकार की योजना है जो निश्चित लोन बिना गारंटी के उनको दिया जाएगा, उसमें कुछ भारत सरकार ने कहा कि जो इंटरेस्ट होगा वो बैन करेंगे। 2% इंटरेस्ट राज्य सरकार ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ते हुए बैन करेंगे। इस प्रकार आज की कैबिनेट में लगभग 50,000 से ज़्यादा नौजवानों को अगले कुछ महीनों में हम डायरेक्ट रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, ये निर्णय लिया है। आपदा के संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो आपदा में निर्धारित मानक थे, जो निर्धारित मानकों में नहीं आते थे उसके लिए दिक्कत आती थी, सब जिलों को निर्देशित दिए गए। आज निर्णय ले लिया गया कि उनमें सड़क हैं, छोटे मार्ग हैं, पुल हैं, पुलियाँ हैं इत्यादि भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार हमारा ये एथोनॉल प्लांट लगाने के लिए चीनी विभाग के अंतर्गत इसका निर्णय भी आज ले लिया है। पीपीपी मोड में लगाएंगे और राज्य में एक ही प्लांट लगाएंगे, ये निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। इससे अलग जो हमारी बसें संचालित हो रही थी, बसों के अंतर्गत हमने कहा है कि क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी टैक्सी में जाने के लिए, बहुत उनको किराया देना पड़ रहा था, इसलिए बसों के साथ जो यूनियनों के साथ बैठे या परिवहन विभाग के साथ, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा कि थोड़ा किराया बढ़ाए, तो उस किराए को आज हमने कुछ बढ़ाने का निर्णय लिया और इससे लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में बचत इस प्रकार से आएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से VC के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कावड़ यात्रा को किस रूप में संपन्न किया जाए। 2 विचार हरियाणा से आए थे और अन्य लोगों के कि वहाँ से ट्रक भरकर किसी बड़ा टैंकर ट्रक इत्यादि से कुछ पोर्ट भेज दिए जाएँ जिसपे गंगा जल को हम वहीं भेज दें और वहाँ उनको गंगा जल लेने की सुविधा हो जाए, इस प्रकार के विचार आए थे। विभिन्न सामाजिक संस्था जो कावड़ की हमारी समितियाँ हैं, गांव की समिति, शहरों की समिति, उनके विचार हैं। लेकिन इसमें आज ये निर्णय हुआ मंत्रिपरिषद ने कि चूँकि ये जहाँ से स्टार्ट है वो बिंदु हमारा उत्तराखंड है, लेकिन जो आने वाले कावड़ के हमारे श्रद्धालु हैं वो उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों से पर्याप्त मात्रा में, इसलिए उन दोनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके इसमें अंतिम निर्णय लेके तब हम आपके माध्यम से देश को बता देंगे।